इंस्टाग्राम पर आपके अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गया है और अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसको आप रिमूव करना चाहते हो। वो रिमूव कैसे होगा, इसके लिए आपने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख चुके एंड काफ़ी आर्टिकल भी रीड कर चुके, बट आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस रिमूव नहीं हुआ। आपने एकदम सही वीडियो पर विजिट किया है जिसमें आपको 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को कैसे रिमूव करना है, रिमूव होगा या नहीं होगा, होगा कितना टाइम लगेगा, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा और कैसे रिक्वेस्ट करना है आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम टीम से रिमूव करवाने के लिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस लगता कैसे है, किन किन मिस्टेक से, इसके बाद बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम को कैसे रिक्वेस्ट करना है। आपको एक तो इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना है, सेकंड एक मेल करना है, ये दो करने के बाद आपको फिर वेट करना है। वेट कितना करना है 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि इतना वेट करना है, उसी टाइम पर आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस रिमूव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कितनी भी जान आप लगा लीजिए, कितनी भी ट्रिक अप्लाई कर लीजिए, तो सिंपली गाइज यहाँ पर देखो मेरे पास एक अकाउंट है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का है, रितेश आर्ट। इस अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस लगाया है, यहाँ पर मैं थ्री डॉट में जाता हूँ, देन सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पर मैं अकाउंट पर क्लिक करके देन अकाउंट स्टेटस पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखिए नीचे की ओर आपको नजर आ रहा है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ योर कंटेंट मे नॉट फॉलो दीज कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, एंड आगे एक अलर्ट का लोगो बना हुआ आ रहा है इस तरह से, एंड आपको इस तरह से आ रहा है अगर रिकमेंडेशन गाइडलाइंस के आगे अगर आपको एरो आ रहा है उसको भी हटा देंगे हम, एंड जो नीचे आ रहा है बना हुआ कम्युनिटी गाइडलाइंस एरो अलर्ट का तो इसको भी हम हटा देंगे, दोनों हट जाएंगे, जो अलर्ट का लोगो है नीचे और ऊपर दोनों हटेंगे। कैसे हटेंगे, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ बताऊंगा। बेसिकली ये आते कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने अपने अकाउंट पर कोई भी ऐसी वीडियो पोस्ट किया है या स्टोरी ऐड किया है या मैसेज के थ्रू आपने गलत मैसेज कर दिया है एंड किसी को गलत कमेंट कर दिया है या फिर गलत रील्स पोस्ट कर दिया है, तो ये सब करने से आपको आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। आप लाइव कर रहे हो, लाइव में आपने किसी को गाली गुली पिला दिया या कुछ गलत काम कर दिया, तब भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ जाएगी। कुल मिला के आप कहीं पर भी अपनी स्टोरी में एंड मैसेज बॉक्स में किसी से भी गलत बात नहीं कर सकते एंड किसी को भी गलत कमेंट नहीं कर सकते, कोई गलत पोस्ट नहीं कर सकते, कोई गलत वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, कोई रील्स गलत पोस्ट नहीं कर सकते, लाइव में भी कुछ गलत नहीं कर सकते, गाली वगैरह, उल्टा सीधा पॉलिटिकल बातें एंड न्यूडिटी वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, अदरवाइज कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आपको पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया है, बट इसके कुछ रूल्स है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के, मैसेज में आपको कैसी बात करना चाहिए, कैसी स्टोरी ऐड करना चाहिए, कैसी वीडियो पोस्ट करना चाहिए, कैसी पोस्ट करना चाहिए, लाइव में क्या करना चाहिए। मैंने आपको इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस A to Z एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड में देख लेना, एंड वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप इस वीडियो को क्लिक करके देख लेना। ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस को A to Z एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद कभी भी आपके अकाउंट पर कभी भी कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं आएगी अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हो, तो टाइम निकाल कर इस वीडियो को देख लेना। आपको इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में A to Z पता चल गया ये वीडियो देखने के बाद, अब आप मिस्टेक नहीं करोगे फ्यूचर में ऐसी। आपके अकाउंट पर अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा है, देखो जब आप गलत पोस्ट कर देते हो, गलत स्टोरी ऐड करते हो, गलत मैसेज करते हो, गलत कमेंट करते हो, गलत वीडियो पोस्ट करते हो, गलत रील्स करते हो या लाइव में कोई मिस्टेक करते हो, तो होता क्या है सीन, आपके जो व्यूवर है उसको जो देखते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और जब रिपोर्ट होता है उसके बाद अगर आपकी कोई गलत पोस्ट है उसको ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपको अलर्ट किया जाएगा, कहाँ पर, रिकमेंडेशन गाइडलाइंस में एरर बना हुआ जाएगा, जोन सी आपकी पोस्ट इंस्टाग्राम पर वॉयलेस कर रही है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी रिकमेंडेशन गाइडलाइंस में, इस पर क्लिक करके आपको देख लेना है, एंड यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो एंड यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाएगा रिकमेंडेशन गाइडलाइंस में,
अलर्ट का एरो आ जाएगा इस रात। चलो यहां तक आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद आती है कम्युनिटी गाइडलाइंस। ये जब आपके अकाउंट पर लगती है एकदम डायरेक्ट लगती है, आपने कुछ गलत कर दिया कांड इंस्टाग्राम पर, चाहे वो स्टोरी हो, मैसेज हो, कमेंट हो, कुछ भी हो, चाहे गलत रील्स पोस्ट कर दिया हो, आपने गलत पोस्ट कर दिया हो, डायरेक्ट आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लगेगा। देखो यहां पर हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लगा है कहीं पर, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमारे से गलती से एक पोस्ट हुआ था जिस पर हमें ये कम्युनिटी गाइडलाइंस लगा था। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट है। और जैसे ही आपके अकाउंट पर लग जाता है कम्युनिटी गाइडलाइंस, यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू करने का मौका मिलता है। सी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रहा है ना, यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू करने का मौका मिलता है। अगर आप रिव्यू करके रिक्वेस्ट कर दे तो रिक्वेस्ट में आपको बोल देना है मेरे से गलती हो गई, जिसने कम्युनिटी गाइडलाइंस दिया आपको उसको बोलना है मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, ये करने से ये हो जाएगा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। आपको रिक्वेस्ट कर देना है, जस्ट वो रिमूव कर सकता है अगर उसको दया आप पर आ जाती है तो वो रिमूव हो सकता है। बिकॉज आप किसी का कंटेंट भी यूज़ कर लेते हो ना, उस पर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। चलो रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं हटा, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक तो स्क्रीनशॉट ये लेना है, ठीक है, ये लेने के बाद एक ये वाला लेना है आपको, दो हो गया। इसके बाद आपको बैक आना है, एक स्क्रीनशॉट आपको यहां से ये लेना है, ये लेने के बाद एक ये वाला लेना है, तीन चार स्क्रीनशॉट हो गया। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट आपको यहां पर हेल्प पे क्लिक करना है। एंड यहां पर आपको मैं बता देता हूं, जब आपके अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लगता है गाइज, तो यहां पर आपको क्रिएटर में जाना है, देन मोनेटाइजेशन स्टेटस देखना है। ये आपका जो है ना रिक्स में चला जाएगा, इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ आएगा नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। जब कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके अकाउंट पर एक्टिव हो जाती है, लग जाती है, तो 90 डेज के अंदर आपका जो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन टूल्स है वो ऑफ कर दिया जाएगा। और 90 डेज के बाद आपके अकाउंट पर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो तो लगा रहेगा, बट आपका जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है ना, ये यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन लिखा हुआ आएगा, रिक्स से हट जाएगा। इस तरह से जो पहला इंटरफेस आ रहा था कम्युनिटी गाइडलाइंस लगने के बाद, जो इंटरफेस ये आया है, ये 90 डेज के बाद इस तरह से हट जाएगा, राइट, इस तरह से बना हुआ होगा। ये डाउट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको हेल्प पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। ये आपको बोल रहा है गो बैक एंड सेक फोन, सिंपली आपको अपने मोबाइल को ऐसे सेक करना है, देन आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। देन यहां पर गाइस आपको इंस्टाग्राम को कुछ लिखना है, क्या लिखना है, बट उससे पहले आपको अपनी आईडी का भी एक स्क्रीनशॉट लेकर आना है। भाई वो लेकर लेना हम भूल गए, यहां पर आपको अपनी आईडी का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन अब आपको सेक करना है मोबाइल को, देन रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, देन यहां पर अब आपको इसको हटा देना है स्क्रीनशॉट को। यहां पर आपको सबसे पहले ये लिखना है, मैंने लिख दिया है आई एक्सीडेंटली ब्रोक द कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स, मुझे इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं था, मेरे से गलती से टूट गया। आई प्रोमिस यू आई विल नॉट मेक सच मिस्टेक इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा आगे से। विल फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल्स वेरी वेल, प्लीज गिव मी वन मोर चांस एंड रिमूव दिस कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक फ्रॉम माई अकाउंट। इसके बाद यूजर नेम आपको लिख देना है, आप मुझे एक और चांस दीजिए, मैं फ्यूचर में ये गलती नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करूंगा, आप मेरे अकाउंट से ये कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक हटा दीजिए। इतना लिखने के बाद अब आपको गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखे है वो सब यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट का लेना है, देन ये वाला लेना है जहाँ पर ये अलर्ट का लोगो आ रहा है, इस तरह से आपको फर्स्ट फर्स्ट ही बोल रहा है यार ये। चलो आपको ये वाला ले लेना है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, जहाँ पर ये सो रहा है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक, ये आपको ले लेना है, स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर ये एक ही ले रहा है, दोबारा आपको जाना है, देन यहाँ पर अब आपको एक ये वाला लेना है रिकमेंडेशन वाला, ठीक, दो हो गया। इसके बाद आपको एक और लेना है यहाँ पर ये वाला, ठीक,
तीन हो गया। इसके बाद आपको एक और लेना है अपने अकाउंट का, यहाँ पर आपको ये चार अटैच कर देने हैं। ठीक, इतना सब करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है, देन सेंड रिपोर्ट कर देना है। ठीक, रिपोर्ट हो गया, इसके बाद आपको बैक कर देना है। अब आपको जीमेल ओपन करना है। जैसे ही आप जीमेल ओपन करते हो, जीमेल ओपन होने के बाद यहाँ पर आपकी वो वाली जीमेल लॉगिन होनी चाहिए जो आपने ईमेल आईडी अपने अकाउंट पर ऐड किया हुआ है इंस्टाग्राम में। चलो मेरी यहाँ पर वही वाली है, एग्जांपल के लिए कंपोज पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही वाला मैसेज आपको यहाँ पर टू में, सॉरी, यहाँ पर आपको जो फॉर्म आ रहा है लिखा, फॉर्म के सामने आपकी वो वाली जीमेल आईडी होना चाहिए जोन सी आपने इंस्टाग्राम में ऐड किया हुआ है। इसके बाद टू में आपको इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है सपोर्ट सपोर्ट एट द रेट इंस्टाग्राम डॉट कॉम, सपोर्ट एट द रेट इंस्टाग्राम डॉट कॉम, ये इंस्टाग्राम की ईमेल आईडी है, ये आपको लिखना है। खाली क्या लिखना है, सपोर्ट एट द रेट इंस्टाग्राम डॉट कॉम। इसके बाद आपको सब्जेक्ट में लिखना है कम्युनिटी गाइडलाइंस गाइडलाइंस स्ट्राइक रिमो। ये लिखने के बाद आपको कंपोज मेल पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है वो जो आपने लिखा हुआ है। मैंने आपको ये बता दिया, ये सब आपको लिखना है और अपना यूजर नेम यहाँ पर देना है। अब यहाँ पर आपको अटैच करना है अपने प्रोफाइल के कुछ स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, देखो ऊपर यहाँ पर आपको फाइल पर क्लिक करना है, अटैच फाइल पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट। इसके बाद जहाँ पर ये एरो आ रहा है आपके अकाउंट पर, ये अलर्ट का आ रहा है ना, येलो सा ऑरेंज सा आ रखा है, ये वाला लेना है। इसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस का लेना है, ये आपको सारे अटैच कर देना है, तीन चार जितने भी है सिलेक्ट करके। यहाँ पर ये सब अटैच हो गया है यहाँ पर इस तरह से। ठीक, आपके अकाउंट की प्रॉब्लम सारी यहाँ पर आ गई, देन यहाँ पर आपको इसको सेंड कर देना है। ठीक, यहाँ पर हमने इंस्टाग्राम टीम को मेल कर दिया है। अब यहाँ पर आप सुनिए कितना वेट आपको करना है ये सब काम करने के बाद। अगर आप पर गलती से कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गया है इंस्टाग्राम की ओर से, तो वो एक बार आपके अकाउंट को चेक करेंगे, हटा देंगे। ठीक, और अगर गलती से नहीं, आपने गलती किया हुआ है, एकदम सही लगा हुआ है, तो फिर 50% चांस है इंस्टाग्राम टीम ये आपके अकाउंट से हटा दे। अब आपको वेट करना है, कितना वेट करना है देखो, पहले आपको 24 आवर्स वेट करना है, इंस्टाग्राम हटाएगा या नहीं हटाएगा वो रिव्यू करेगा। देन इसके बाद आपको 48 आवर्स करने हैं, 48 आवर्स में रिमूव हो सकता है आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसके बाद भी नहीं हुआ तो आपको 1 वीक वेट करना है। 1 वीक में अगर रिमूव नहीं हुआ तो फिर आपको 1 ईयर वेट करना है। हाँ जी, आपके अकाउंट पर एक बार कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लग जाता है ना, ये 1 ईयर में रिमूव होता है। इसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, रिमूव होने वाला नहीं है। कितनी भी आप बात उठाइए, कितनी भी कोशिश कीजिए, कितनी भी ट्रिक लगाइए, कहीं पर आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 1 ईयर बाद आपके अकाउंट से कम्युनिटी गाइडलाइंस रिमूव हो जाएगी एंड आपका ऐसा इंटरफेस आएगा अकाउंट पर 1 ईयर बाद, ये वाला इंटरफेस आपका पूरे 1 साल बाद आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। कितनी भी कोशिश आप कर लो, ये बात मैंने आपको अंदर की एक बार सच बताई है, किसी ने भी नहीं बताया होगा, बताया भी होगा, बट मैं आपको अंदर की दिल की बात बता रहा हूँ, बिकॉज आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो, तो सच दिखाना मेरा आपको काम है। मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, पूरा 1 साल लगेगा इस कम्युनिटी गाइडलाइंस को हटने में, इससे पहले नहीं हटेगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अगर ये आपके अकाउंट पर एक बार लग गया तो समझ लो 1 साल के लिए आपको सेकेंड मिस्टेक नहीं करना है, आपके अकाउंट पर सेकेंड कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक ना लगने चाहिए। और अगर सेकेंड कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लग गया तो यहाँ पर आपका अकाउंट थोड़ा रिस्क में आ चुका है। अब इसके बाद अगर थर्ड लग जाता है तो समझ लो आपका अकाउंट बहुत ज्यादा रिस्क में आ गया। और अगर आपने फिर से गलती कर दिया, फोर्थ आ गया, तो अकाउंट सस्पेंड, आपको पता भी नहीं चलेगा, अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आप फिर आप
कुछ ही करते रहना, आपका अकाउंट बर्बाद हो जाएगा। तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। अभी जो आपके अकाउंट पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लग रहा है, रिपोर्ट और ईमेल करने के बाद अगर 48 आवर्स या 1 वीक में रिमूव नहीं हुआ तो फिर 1 ईयर के अंदर ही होगा। और जब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक लगता है आपके अकाउंट पर, तो 90 डेज के लिए आपका मोनिटाइजेशन अकाउंट का जो है टूल्स है मोनिटाइजेशन के, वो ऑफ कर दिए जाते हैं। 90 डेज के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।